आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे, और हाल ही के समय में आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर देख लीजिए आप लोग, और भी कई जगह आप लोग देखिए, ये सुर्खियों में बनी हुई है, और इनका नाम है नेहा सिंह राठौर। आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव थे, या कोरोना महामारी थी, या फिर आप देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव थे, तो उस समय भी ये काफी खबरों में बनी हुई थी। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इनके द्वारा एक गाना गाया गया है, आप कहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार पर एक तंज कसा गया है कि यूपी में काबा, और इसको लेकर आप देखिए कि काफी विवाद भी बना हुआ है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि नेहा सिंह राठौर के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि आखिर ये है कौन। तो आप देखेंगे तो नेहा सिंह राठौर को आप लोग स्क्रीन पर सामने देख भी रहे होंगे, और अगर आप लोग देखें तो इनका नाम है नेहा सिंह राठौर, और वैसे इन्हें नेहा सिंह के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि इनके व्यवसाय की बात करें तो गायक हैं और लेखक भी हैं, और इनका जन्म 1997 में हुआ था, और इनका कैमूर बिहार में इनका जन्म हुआ था, यानी कि बिहार की रहने वाली हैं, ठीक है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो कानपुर से इन्होंने बीएससी किया हुआ है, कानपुर विश्वविद्यालय से। और कई लोग पूछ रहे, मतलब देख भी रहे हैं कि इनकी शादी की अगर हम लोग बात करें तो ये विवाहित है, और इनके पति की बात करें तो हिमांशु सिंह इनके पति का नाम है। और आप देखें तो भोजपुरी की एक प्रसिद्ध लोक गायिका बन चुकी है, और यह हमेशा राजनीति के ऊपर अपने गीत के माध्यम से राजनीति की वो आईना दिखाती हैं, या फिर आप कहिए कि उन पर तंज कसती हैं। और इनको बिहार में काबा सॉन्ग से पहचान मिली थी, और यह गाना मनोज वाजपेयी द्वारा सॉन्ग मुंबई में काबा के ऊपर आधारित था। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा मनोज वाजपेयी का कि मुंबई में काबा, तो इसी तर्ज पर इन्होंने नेहा सिंह ने बिहार में काबा ये गाना गाया हुआ था। फिर आप देखेंगे बिहार के लोकसभा, बिहार में जो लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बहुत से गीत गाए, इन्होंने कभी बेरोजगारी के ऊपर तो कभी बिहार के चुनाव के मुद्दे पर लगातार गाना गाए, और सोशल मीडिया पर बहुत ही जल्दी वायरल हो गई, और नेहा सिंह राठौर 2018 में से गाना गा रही हैं। और आप देखेंगे कि अभी हाल ही में बिहार के समय देखिए, बिहार में जब एक तरह से आप देखिए चुनाव था, उसी समय ये काफी इन्हें सुर्खियां में आई हुई है, यानी कि इन्हें पहचान मिली हुई है। नेहा सिंह राठौर ने सबसे पहले, आपको मालूम होगा कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश, कहाँ, बिहार में, और इस दौरान उन्होंने बिहार में काबा का उनका काफी गाना हिट हुआ था। उसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने इस गाने में जवाब देने के लिए एक और युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर का सहारा लिया था, और उन्होंने इस गाने का जवाब तैयार किया था, लेकिन याद रखिए मैथिली ठाकुर भी टक्कर नहीं दे पाई थी। और इन्होंने एक गीत और गाया हुआ था, सबसे अच्छा गीत रोजगार देव का करवा नाटक, यानी कि रोजगार देव देव दोगे या फिर नाटक ही करते रहोगे। तो इस तरह से कई सरकारों पर आप देखिए तंज कसना होता है, और यूपी में काबा एक ऐसा गीत जिसके सहारे उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है, तो अभी हाल ही में काफी चर्चा में बनी हुई है। तो ये है कौन, नेहा सिंह राठौर बिहार में जन्मी हुई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जब भी इस तरह का कोई सुर्खियों में रहता है तो आपने देखा होगा कि आप लोगों को उनके बारे में जानने की दिलचस्पी होती है, और अगर कोई भी और नाम रहा करे तो बताइए, बताया करिएगा, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है।